नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। दरअसल सोशल मीडिया के जमाने में सूचनाओं को मानो पंख लग गए हैं। कोई तस्वीर हो, वीडियो हो या फिर कोई खबर बुलेट की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। सही जानकारियां तेजी से फैले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैले तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लिहाजा सूचनाओं, तस्वीरों और वीडियो का फैक्ट चेक जरूरी हो जाता है और ये काम हम करते हैं आपके लिए, ताकि आप पूरा सच जान सके। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अच्छाइयों के बारे में बता रही हैं, लेकिन यूजर्स इस ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी को घेर रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वायरल ट्वीट की पड़ताल की तो क्या नतीजा सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट बताकर शेयर कर रहे हैं। इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट में जो कुछ लिखा नजर आ रहा है उसे लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अपने परदादा और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी यादें साझा की है। वायरल हो रहे प्रियंका गांधी वाड्रा के कथित ट्वीट में लिखा है, मेरे परदादा को लेकर मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक ये है कि जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर एक दिन काम करके सुबह 3 बजे उठे तो उनके अंगरक्षक थक कर सो गए थे। तब उन्होंने अपने अंगरक्षक को एक कंबल से ढक दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ सोने चले गए। इस ट्वीट को लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कमला नेहरू की मृत्यु 1936 में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे में ट्वीट के मुताबिक उनकी पत्नी कैसे मौजूद रह सकती हैं? इस ट्वीट के जवाब में लोग तरह तरह के भद्दे मजाक भी कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर किए जा रहे भद्दे कमेंट को देखकर हमने इस वायरल स्क्रीनशॉट की पड़ताल को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझा और इस वायरल स्क्रीनशॉट की पड़ताल में जुट गए। पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले वायरल स्क्रीनशॉट के कीवर्ड से प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्विटर अकाउंट खोजा। यहाँ हमें 14 नवंबर 2019 का एक ट्वीट मिला जो वायरल हो रहे ट्वीट से काफी मिलता जुलता था। आपको बता दें कि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, जिसे हम बाल दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। खैर, 14 नवंबर 2019 को किए गए प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को हमने पढ़ा तो ट्वीट वायरल हो रहे ट्वीट से मिल रहा था। बस आखिरी लाइन अलग थी। यहाँ अंगरक्षक को कंबल उड़ाकर सोने के लिए कमरे में जाने की बजाय लिखा था, बगल की कुर्सी पर सो गए। थोड़ा और सर्च करने पर 14 नवंबर 2019 की हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी मिली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की याद में प्रियंका गांधी के ट्वीट का जिक्र मिला। सर्च के दौरान हमें 18 नवंबर 2020 की एक पड़ताल भी मिली, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के वायरल हो रहे कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट को गलत बताया गया था। यहाँ ये भी साबित हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट का ये स्क्रीनशॉट काफी पहले से वायरल हो रहा है और ये भी इसमें डिजिटली छेड़छाड़ की गई है, मतलब इसे एडिट करके वायरल किया जा रहा है। मतलब वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट एडिटेड है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने असली ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिस पर भद्दे कमेंट किए जा सके। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में काले काले बादलों से ढेर सारा पानी एक साथ गिरते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले का बताया जा रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ, आप खुद देखिए। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बारिश इस साल आफत बनकर बरस रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक इस साल बारिश नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। कई नदियां तबाही मचा रही हैं, तो बादल फटने की घटनाएं इंसानी संसार को तबाह करने पर तुली हैं। बाढ़, बारिश और तबाही की घटनाओं के बीच आजकल सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि काले काले बादलों से ढेर सारा पानी एक साथ गिर रहा है। इस वीडियो को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले का बताया जा रहा है।
पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से बच नहीं सका। पिछले दिनों सिंध में 355 मीटर बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की गई, जबकि इससे पहले अधिकतम 238 मीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लिहाजा पानी के कहर से यहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर आसानी से यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जब ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ हमारे पास पहुंचा, तो वीडियो को देखकर और उसके साथ किए जा रहे दावे को लेकर हमें संदेह हुआ, तो हमने वायरल वीडियो और उसके साथ किए जा रहे दावे की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू की। कहां का है वायरल वीडियो? वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या ये बादल फटने की घटना का वीडियो है? क्या ये घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामशोरों में हुई थी? वायरल वीडियो को की फ्रेम्स में तोड़ने के बाद हमने इंटरनेट पर रिवर्स सर्च शुरू किया, तो हमें 26 फरवरी 2020 का एक पोस्ट मिला, जो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर का है। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से सोशल मीडिया पर लिखा है। चूंकि हमें क्लू मिल चुका था, तो हमने इंटरनेट पर और सर्च शुरू किया, तो हमें फेसबुक पर भी एक पोस्ट मिला। ये पोस्ट 5 अगस्त 2022 को शेयर किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई कि ये घटना फरवरी 2020 की है। इसके अलावा हमें इंटरनेट पर कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ी खबरें मिली जो 25 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुई थी, और ये पर्थ की घटना ही थी। हमें ऑस्ट्रेलिया के एक वेबसाइट पर प्रकाशित खबर भी मिली, जिसमें पर्थ और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बारिश और तूफान से मची तबाही के बारे में बताया गया है। सोशल मीडिया के जरिए मिले सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वीडियो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर का है, न कि पाकिस्तान के शहर सिंध के जमशोरों का। इसलिए इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। रिधिश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।